नमस्कार। स्वतंत्र कला के फनकार में मैं प्रीति शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और स्वतंत्र कला के महान कवियों की कड़ी में संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार महाकवि कालिदास से आज मैं आपका परिचय कराऊंगी। कवि कालिदास ने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन के आधार पर रचनाएं की। कुछ विद्वान तो उन्हें राष्ट्रीय कवि तक का स्थान देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना रही है। ये नाटक उन भारतीय साहित्य कृतियों में से एक है जिसका सबसे पहले यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। ये पूरे विश्व साहित्य में अग्रणी रचना मानी जाती है। मेघदूत कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसमें कवि की कल्पना शक्ति अपने उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट स्तर पर दिखती है और प्रकृति के मानवीकरण का अद्भुत वर्णन देखने को मिलता है। उनके प्राकृतिक वर्णन अद्वितीय हैं। वे विशेष रूप से अपनी उपमाओं के लिए जाने जाते हैं। कालिदास ने अपने श्रृंगार रस प्रधान साहित्य में भी आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का समुचित ध्यान रखा है। परंपरा के अनुसार कालिदास उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के समकालीन हैं, जिन्होंने ईसा से 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत चलाया था। कालिदास उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के राजदरबारी कवि थे। माना जाता है कि कालिदास शारीरिक रूप से बहुत सुंदर थे। कहा जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। कालिदास का विवाह विद्योत्तमा नाम की राजकुमारी से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि विद्योत्तमा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वो उसी के साथ विवाह करेगी। जब विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हरा दिया तो हार को अपना अपमान समझकर कुछ विद्वानों ने बदला लेने के उद्देश्य से विद्योत्तमा का विवाह महामूर्ख व्यक्ति के साथ कराने का निश्चय लिया। चलते चलते उन्हें एक वृक्ष दिखाई दिया जहां पर एक व्यक्ति जिस डाल पे बैठा था वो उसी डाल को काट रहा था। उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख मिलना संभव नहीं है। उन्होंने राजकुमारी से विवाह का प्रलोभन देकर उसे नीचे उतारा और कहा, मौन धारण कर लो और जो हम कहेंगे बस वही करना। और उन्होंने विद्योत्तमा के सामने जाकर कहा कि हमारे गुरु आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं परंतु अभी वे मौन व्रती हैं, इसीलिए ये दोनों हाथों से संकेत से उत्तर देंगे। इनके संकेतों को समझकर हम वाणी में आपको उसका उत्तर देंगे। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। विद्योत्तमा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती थी जिसका उत्तर कालिदास अपनी बुद्धि और से मौन संकेतों में ही देते थे। उन विद्वानों ने धूर्तता से विद्योत्तमा को यह अनुभव करा दिया कि कालिदास ने शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा को हरा दिया है। फिर शर्त के अनुसार कालिदास और विद्योत्तमा का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात कालिदास विद्योत्तमा को लेकर अपनी कुटिया में आ गए और प्रथम रात्रि को ही जब दोनों साथ थे तो उस समय विद्योत्तमा को इस बात का पता चला कि कालिदास अनपढ़ हैं। उन्होंने कालिदास को धिक्कारा और ये कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चे विद्वान बने बिना घर वापस ना आना। कालिदास ने सच्चे मन से काली देवी की आराधना की और उनके आशीर्वाद से वे ज्ञानी और धनवान बन गए। इस प्रकार कालिदास ने विद्योत्तमा को अपना पथ प्रदर्शक गुरु मान लिया और इसके बाद अनेकों सफल और महान रचनाएं की। तो ये थे हमारे कवि महाकवि कालिदास। कैसा लगा इनका जीवन परिचय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब सीधा चलते हैं अब्दुल कवि के पास और देखते हैं आज हमें वो किस उभरते हुए सितारे से मिलाते हैं। तब तक मुझे यानी प्रीति शुक्ला को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद प्रीति। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे कवि से करवाता हूँ जिसने कम उम्र में एक कवि सम्मेलन की दुनिया में अपना एक बहुत ऊंचा मुकाम बनाया है। यह यूँ कहें कि कोई भी कवि सम्मेलन उनकी उपस्थिति के बगैर अधूरा समझा जाता है। वो वीर रस के कवि हैं। आपकी मुलाकात मैं करवाना चाहता हूँ कुलदीप समर जी से। कुलदीप समर जी ने बहुत से स्टेज
बड़े बड़े कवियों के साथ शेयर किए हैं और उनको पब्लिक का, जनता का प्यार भी भरपूर मिला है। तो आइए बात करते हैं कुलदीप समर। कुलदीप समर को बहुत बहुत स्वागत है आपका सुगम कराने पर फनकार में। और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को आपका परिचय, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत साधुवाद। साहित्य की साधना में जिस प्रकार कोई साहित्यकार या कोई कवि जिस प्रकार से योगदान देता है, उस क्रम में कहीं ना कहीं उसको प्रचार करने वाला, उसको प्रसार करने वाला आपके समक्ष जो लोग होते हैं, मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ क्योंकि वो दूर दूर उसका प्रसारित करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आपने कविता करना कब से शुरू किया, क्योंकि आप यंग हैं, नौजवान हैं, तो आपने कविता को ही अपना क्षेत्र क्यों चुना और आपके गुरु जो आपको, जिन्होंने कविता को लेकर आपको प्रोत्साहित किया, उनके बारे में बताइए। देखिए, कविता अगर हम लिखने की बात करें तो उल्टी सीधी कविताएं हम अपने छात्र जीवन से हमने प्रारंभ कर दी थी, लेकिन 2011 और 12 से थोड़ा सा हम अपने गुरु लोगों से मिले, हमने गोष्ठियों में हमने भागीदारी दिया, उसका परिणाम ये निकला कि कहीं ना कहीं कविताओं में उसके मर्म को कुछ हमने समझा और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार हुआ। उस सुधार का क्रम कई कविता ऐसी चीज है जो अनवरत जीवन पर चलती रहती है, सीखने का क्रम जो उसका अनवरत चलता रहता है। और तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसके हम बहुत ही योग हो गए हैं, योग तो बिल्कुल नहीं, अभी शून्य मात्र है। उसकी हमने शुरुआत की है कविता की और हमारे गुरु हमें हर हर कदम पे हमें समझाते रहे हैं और हमें सुझाव देते रहे हैं, तो उनके सभी गुरुओं को हमें साधक प्रणाम करता हूँ। ये सवाल है कि आज के दौर में जो आपके जैसे यंग जनरेशन है या जो यंग कवि है, नौजवान कवि है, वो श्रृंगार रस को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन आपने उसके खिलाफ जाकर आपने वीर रस को चुना, तो वीर रस को चुनने के उसमें आपने कविताएं कही, तो इसके पीछे कोई खास वजह? बचपन से मुझे देशभक्ति की फिल्में और देशभक्ति के गाने में शुरू रुचि रखते थे, मैं उन्हीं का एक क्रम में माने कि उन्हीं का अनुयायी रूप में मैंने कविताओं को प्रारंभ किया देशभक्ति का, इसलिए धीरे धीरे जब मंच पे हमने वीर रस का प्रारंभ कर दिया, बाद में कविता को समझा, हमने सब पे ये गीत भी लिखे, हमने श्रृंगार के मुक्तक भी लिखे, लेकिन मंच के रूप में जो हमारी पहचान तुलसी सोना के नाम से बन चुकी थी। तो मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूँगा जिन्होंने आपको बनाया है, जिनकी वजह से मैं अपनी सांसें ले रहा हूँ, चाहे आप हो चाहे ये सृष्टि हो, मैं उनके लिए चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि सजा देते हैं जब ये दो जमानत हार जाती है, कि सजा देते हैं जब ये दो जमानत हार जाती है, बगावत जब ये करते तो सियासत हार जाती है, और अंधेरे के वकीलों जो कितना भी लगा लो तुम, वकालत जब प्रभु करते अदालत हार जाती है, वकालत जब प्रभु करते अदालत हार जाती है। और एक जैसा भी कवि जो होता है वो निष्पक्ष होता है, किसी भी सत्ता के पक्ष में कभी भी कोई भाषण नहीं देता और न चाटुकारिता करता है। कवि का जो धर्म होता है वो जनता के प्रति और लोगों के प्रति उनके लाभ के लिए, उनके न्याय के लिए लड़ता है। मैं चार पंक्तियाँ करके जो धर्म है मैं पढ़ता हूँ कि कवि की सत्ता से सदैव ही समुचित दूरी होती है, कि कवि की सत्ता से सदैव ही समुचित दूरी होती है, कलमकार तो सत्य लिखेगा कुछ मजबूरी होती है, कलमकार तो सत्य लिखेगा कुछ मजबूरी होती है, और कोलाहल जब राष्ट्रद्रोह का कारण बनता संसद में, तब लह पुरुष बन करके फिर ओंकार जरूरी होती है, तब लह पुरुष बन करके फिर ओंकार जरूरी होती है कि सत्य न्याय, कि सत्य न्याय के लक्ष्यों में संघर्ष भाग जो खप जाते हैं, कि सत्य न्याय के लक्ष्यों में संघर्ष भाग जो खप जाते हैं, अनाचार की छाती पर चढ़ समर हेतु फिर तप जाते हैं, वर्तमान में दुनिया वाले भले उन्हें सम्मान न दे लेकिन वो इतिहास रचाकर पन्नों में छप जाते हैं, लेकिन वो इतिहास रचाकर पन्नों में छप जाते हैं, और हम घुटन से इस रुदन का नाद लेकर क्या करेंगे, कि हम घुटन से इस रुदन का नाद लेकर क्या करेंगे, आधुनिक अतिरंजना का स्वाद लेकर क्या करेंगे, और जब यहाँ जयचंद का गुणगान गाया जा रहा हो तो बताओ हम भगत आजाद लेकर क्या करेंगे, तो बताओ हम भगत आजाद लेकर क्या करेंगे। और वर्तमान स्थितियों में चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मौन खड़े हैं जनसाधारण,
मनमानी इस धरतल पर कि मौन खड़े हैं जनसाधारण, मनमानी इस धरतल पर झूठे वादे किए जा रहे राष्ट्रवाद परिवर्तन पर, झूठे वादे किए जा रहे राष्ट्रवाद परिवर्तन पर, ढोंग रचाकर देशभक्ति का रोग दिखाया जाता हो तब कविता लिखनी पड़ती है लोकतंत्र के मंथन पर, तब कविता लिखनी पड़ती है लोकतंत्र के मंथन पर, तब कविता लिखनी पड़ती है लोकतंत्र के मंथन पर। और चार पंक्तियां और कि तेजवान करुणाई इच्छा पर डट में रुका नहीं करती, कि तेजवान करुणाई इच्छा पर डट में रुका नहीं करती, आत्म प्रेरणा साहस हिम्मत इनकी चुका नहीं करती। और राजभवन के लोग स्वार्थी दोष लगाए कितना पर, स्वाभिमान से कहता हूँ खुददारी चुका नहीं करती, स्वाभिमान से कहता हूँ खुददारी चुका नहीं करती, स्वाभिमान से कहता हूँ खुददारी चुका नहीं करती। और कुछ पंक्तियां मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, अपने स्वाभिमान के लिए पढ़ता हूँ कि जब कवियों के कहीं न कहीं दोस्त चटकारता के दोस्त को लगा देता है, एक क्षण निवेदित करता हूँ कि देश गा रहा है आज गाथा बलिदानियों की, सत्र कोई यहाँ अब सटने न पाएगा, दिल्ली कश्मीर ले यूपी गुजरात आदि भूमि भाग अब कोई बटने न पाएगा, जिसके सपूत रखवाले मात्र भूमि के हों वहाँ अरिपाम कोई अटने न पाएगा, भारत का एक एक अंग रक्त रंजित है अब माँ का अंश कोई कटने न पाएगा, अब माँ का अंश कोई कटने न पाएगा। और जब हमारे देश में पूंजीपतियों की वाहवाही होने लगती है तो एक छंद पढ़ता हूँ कि अग्नि षड्यंत्र की प्रचंड हो गई है अब राह जो कुरीतियों की लोग चल दे रहे, अलगावी नीतियों की बात समझा रहे नीच कुछ द्रोही यही लोग खल दे रहे, और पूंजीपतियों की अब भगत जो हो रही शोषणों के जिम्मेदार यूं ही पल दे रहे, हम तो सहानुभूति इन पे दिखाते रहे और हमें दोगले ये लोग छल दे रहे, और हमें दोगले ये लोग छल दे रहे। एक रचना पढ़ता हूँ बस उसकी अगवाही में, उस दे सकते हैं उसकी संदर्भ में मैं चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि तेजवान तरुणाई क्षण भर रण में रुका नहीं करती, कि तेजवान तरुणाई क्षण भर रण में रुका नहीं करती, आत्म प्रेरणा साहस हिम्मत इनकी चुका नहीं करती, और राजभवन के लोग स्वार्थी दोष लगाए कितना पर, स्वाभिमान से कहता हूँ खुददारी चुका नहीं करती, स्वाभिमान से कहता हूँ खुददारी चुका नहीं करती। तब अपने कलम के स्वाभिमान पे कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ कि तुमने सोचा कलम हमारी लक्ष्यहीन हो जाएगी, कि तुमने सोचा कलम हमारी लक्ष्यहीन हो जाएगी, डरते डरते पृष्ठों पर ही अपना फर्ज निभाएगी, तुमने सोचा स्वार्थ हेतु गुणगान करेंगे सत्ता का, भ्रष्ट आचरण होगा पर सम्मान करेंगे सत्ता का, तुमने सोचा पद्मश्री के लोभी हम बन जाएंगे, मिथ्या ही जयकार लगाकर अंधकार को गाएंगे, तुमने सोचा अनाचार पर मौन साध कर बैठेंगे, आत्मसमर्पण करके अपने हाथ बांध कर बैठेंगे, तुमने सोचा शब्द हमारे प्रतिबंधित हो जाएंगे, दरबारों सरकारों से ही संबंधित हो जाएंगे, लेकिन ये तो सत्य नहीं है, लेकिन ये तो सत्य नहीं है, स्वाभिमान से कहता हूँ धार जिधर को बहती है उस ओर नहीं मैं बहता हूँ, हमने कभी कलम हुआ सर को झुकने नहीं दिया है जी, भूख हमें मंजूर रही पर बिकने नहीं दिया है जी, भूख हमें मंजूर रही पर बिकने नहीं दिया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।